दोस्तों आप सभी का कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल में। तो भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोमेन बिग बैश लीग में जो मुकाबला खेला जाएगा होबर्ट हुरिकेन्स वोमेन वर्सेस सिडनी थंडर वोमेन के बीच। जानेंगे दोनों ही टीमों की टीम न्यूज और जानेंगे क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीमों की तरफ से, और मैच की पूरी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में और बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे तक ले जाने में मेरी मदद करें। तो भाइयों, बात कर लेते हैं होबर्ट हुरिकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर वोमेन की जो ये मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर अगर आप मैच की डिटेल्स और टाइमिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे जो टीम न्यूज आई है दोनों ही टीमों की तरफ से। तो आपको बता दें कि मिकाएला हेनकली तो हो सकता है इस मैच में डेब्यूट कर सकती है, और काफ़ी हाई चांसेस है इनके कि डेब्यू कर सकती है इस मैच में। तो आप इन्हें चाहें तो ग्रैंड लीग में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इनको डेब्यू का मौका मिल सकता है इस मुकाबले में, तो आप इनको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगा एलेक्स ब्लैकवेल, निकोला कैरी और लेने फरलेल को, जो कि 50वां बिग बैश का वोमेन बिग बैश लीग के मुकाबला ये खेलेंगी, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेसन। और चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो अभी तक के बेस्ट परफॉर्मेंस आए हैं, यानी कि जिनको देख के आप बेस्ट पिक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पिक हो सकती है। तो चलिए बात करेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से अभी तक के बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर की। देखिए, आपको बता देते हैं कि बेस्ट पिक जो होंगी होबर्ट हुरिकेन वोमेंस की तरफ से, या फिर ये कह लें कि अभी तक का जो जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, जो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने, जैसे कि हेदर नाइट, जिन्होंने अभी तक 188 रन बनाया है और 5 विकेट लिया है इन्होंने 5 इनिंग में, और तो काफ़ी अच्छा पिक हो जाएंगी आपके लिए हेदर नाइट। आपको बता दें कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करती है, 188 रन बनाए इन्होंने और 5 विकेट भी लिया है 5 इनिंग में। और वहीं आपको बता दें स्मृति मंदना, जिन्होंने 5 इनिंग में पिछले 5 मुकाबलों में 144 रन बनाया है, काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे ये भी। तो वहीं जी रिड मायने, जो कि विकेट कीपर हैं, तो 114 रन बनाए इन्होंने 5 इनिंग में, तो ये भी अच्छी पिक हो जाएंगी। तो ये जो है बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इनके बैट्समैन और ऑलराउंडर का, होबर्ट हुरिकेन का। और वहीं इनकी बॉलिंग सेक्शन के बात करें तो बी हॉपबर्न सबसे आगे चल रही हैं, जिन्होंने 7 विकेट लिया है 6 इनिंग में, और वहीं मॉलिनी, जिन्होंने 5 विकेट लिया है 4 इनिंग में, और मैग फिलिप्स 5 विकेट लिया है इन्होंने 4 इनिंग में, तो ये भी आपके लिए अच्छी पिक हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेंगे सिडनी थंडर की तरफ से जो बेस्ट पिक हो सकता है और जो प्रदर्शन रहा अभी तक के प्लेयर्स का। तो बात करेंगे हरमनप्रीत कौर एच कौर, जिन्होंने 186 रन बनाए पिछले 4 मुकाबलों में, और वहीं आर पेरिश, जो कि इनकी विकेट कीपर हैं, 125 रन बनाया है पिछले 5 मुकाबलों में। एस टेलर जो है ऑलराउंडर हैं जो इनके, जिन्होंने 81 रन बनाया और 10 विकेट लिया इन्होंने 5 इनिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा विकेट लिया इन्होंने, क्योंकि बॉलिंग काफ़ी अच्छा करती है ये ऑस्ट्रेलर, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वेंडिज वोमेन की है तो काफ़ी अच्छी पिक हो जाती है T20 मुकाबलों के लिए। 89 रन बनाया है एलेक्स ब्लैकवेल, जिन्होंने 89 रन बनाया है पिछले 5 मुकाबलों में। और वहीं बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की, तो एम गिबिसन और आर फेरल 7 विकेट लिया है इन्होंने, दोनों ने 7-7 विकेट लिया है पिछले 5 इनिंग में, और एस बीट्स ने 5 विकेट लिया है पिछले 5 इनिंग में। तो ये सब जो है आपके लिए कुछ अच्छी पिक हो जाएंगी, तो आप ट्राई कीजिएगा इनको अपनी टीम में लेके चलने का। तो चलिए देख लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो प्लेइंग 11 रहने वाले इस मुकाबले के लिए। तो बात करेंगे सबसे पहले सिडनी थंडर वोमेन की तरफ से, आपको प्रिस्ट जो कि विकेट कीपिंग करते नजर आते हैं, रिचल हाइनस, टेलर ब्लैकवेल, हरमनप्रीत, एन स्टीलन ब्रैग, एन केरी यानी निकोला केरी, रेने फोडेल और सैम बेट्स, मैसी गिब्सन और बी वर्कव्या, तो बी वर्कव्या ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है सिडनी थंडर वोमेन की। और वहीं होबर्ट हुरिकेन वोमेन की बात करें तो आपको फजेकर ली और यहाँ पे मंदाना, डफारा, एच नाइट हैं, एस मोलनी, सी हॉल, रेड माइने जो कि विकेट कीपिंग करते नजर आ जाएंगे, एम फिलिप्स या आर ओवडोनिल में से कोई एक खेलेगा, और यहाँ पे एलेक्स हर्टली आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, वी पाइके और हेपबर्न आपको खेलती हुई नज़र आ जाएंगी। तो ये दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 यहाँ पे है, हो सकता है दोनों ही टीम यही प्लेइंग 11 के साथ उतरे
और 99% चांस है कि यही प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीमों की। और जो यहाँ प्लेयर रिस्की रहने वाली है, यहाँ पे मैंने बता दिया मैकफ्लिस या आर ओडोनिल में से कोई एक खेलेगा। तो चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात अगर करते हैं तो मंदाना आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस हो सकती है। एच नाइट, मॉलिनी, टेलर, हरमनप्रीत और हाइनस भी काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो ये कुछ बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप किस प्रकार इस मुकाबले के लिए ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार आप ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। देखिए आपके पास दोनों ही बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं, रिडमाइने और प्रिस्ट। देखिए दोनों ही सेम जो है क्रेडिट के प्लेयर हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो और आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि डिपेंड आप पे करता है कि आप किन को ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं प्रिस्ट को रख के चल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से यही बेस्ट पिक रहने वाली है। मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहें तो रिडमाइने को बिल्कुल ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने भी किया है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वहीं बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, ठीक है, स्मृति मंदना को आप लेके चले, हरमनप्रीत को लेके चले और हैदर नाइट को। ये तीन जो है बेस्ट पिक रहने वाली है मेरे हिसाब से, तीनों जो हैं बेस्ट पिक रहेगी मेरे हिसाब से हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए। और चौथा जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से जाना चाहें रिचल हाइनस के साथ या फिर डफाड़ा के साथ या फिर एलेक्स ब्लैकवेल या फिर कॉर्नी हॉल भी अच्छी पिक होंगी। तो यहाँ पे चौथा जो वोमेन की जो बैट्समैन है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप किनको ले। यहाँ से रिचल हाइनस को भी ट्राई कर सकते हो, कॉर्नी हॉल, एलेक्स ब्लैकवेल और डफाड़ा भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ बेस्ट पिक हो जाएंगे। तो और यहाँ पर जो एक है नाओमी स्टेनब्रेजर, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट पिक रहने वाले, अगर आप इनको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर रचल हाइनस को जरूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगी। यहाँ पे क्रेडिट भी एक इशू हुई जिसके कारण मैंने रचल हाइनस को नहीं लिया। अगर आपके पास क्रेडिट मैनेज कर पाए तो रिचल हाइनस को जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे डफाड़ा भी काफ़ी अच्छी पिक है मेरे हिसाब से। वही बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देखिए यहाँ से स्टीफन टेलर को आपको लेके चलना ही चलना है। और उसके बाद मैंने यहाँ से साशा मोलेनी को लिया है और एयरन फिट्ज़गेराल्ड को यहाँ से मैंने पिक किया है। अगर आप नहीं जाना चाहें इनके साथ तो इनकी जगह पे अगर आप जाना चाहें तो मैकफ्लिस को ट्राई कर सकते हैं, निकोला कैरी को ट्राई कर सकते हैं और हैली मैथ्यूज़ को ट्राई मत कीजिएगा, नहीं खेलेंगे ये मुकाबला। और आपके पास जो दो ऑप्शन बचते हैं निकोला कैरी और मैकफ्लिप, दोनों में से किसी एक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वहीं बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ से मैंने जो लिया है ब्रॉक हॉबर्न को लिया है और यहाँ से मेसी गिब्सन। और देखिए दो मेरे हिसाब से तो ये दोनों बेस्ट बॉलर हैं मेरे हिसाब से। और वहीं जो तीसरी बॉलर मैंने लिया है, तीसरा बॉलर जो मैंने लिया है यहाँ पे मुझे क्रेडिट के कारण लेना पड़ा है। अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल चाहिएगा इसके तो तीसरा जो होगा अगर आप ट्राई करना चाहें। देखिए ओडोनिल की जो बात करते हैं ये थोड़ी सी रिस्की रहेंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, तो इनको ट्राई मत कीजिएगा। हालाँकि अगर आप क्रेडिट मैनेज करें तो रेने फ्रेरल को जरूर ट्राई कीजिएगा, एलेक्स हटली भी अच्छे पिक होंगे और अच्छा पिक हो सकती है आपके लिए, पाई के भी बहुत अच्छा पिक हो सकती है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मुझे क्रेडिट मैनेज ना कर पाने के मैं इनको यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पाए तो बिल्कुल उनको ट्राई कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की। देखिए कैप्टन की चॉइस की बात करें तो आपके पास जो चॉइस है हैदर नाइट काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और उनके बाद जो होने वाली है हरमनप्रीत कौर काफ़ी अच्छी चॉइस है, इंडियन बैट्समैन है, तो काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए और आपको साथ ही कुछ ओवर डाल भी देती है, तो काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और इनके अलावा वाइस कैप्टन के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी पिक प्रिस्ट भी हो जाएंगी, काफ़ी अच्छी हो सकती है पिक, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ से कैप्टन बना रहा हूँ स्टीफन टेलर को क्योंकि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूट करके दे सकती है। अगर आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं किसी अन्य को, तो क्योंकि काफ़ी अच्छा और भी प्लेयर जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अगर बनाना चाहें तो हैदर नाइट को बना सकते हैं। और वाइस कैप्टन की बात रही तो मैं यहाँ से हरमनप्रीत कौर को बना रहा हूँ, अगर आप ट्राई करना चाहें तो एयरन फ्रेगल्ड को ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पे हैदर नाइट भी काफ़ी अच्छी पिक हो जाएंगे वाइस कैप्टन के लिए, तो देख लीजिएगा आप क्या करना चाहते हैं और आप किस प्लेयर के साथ जाना चाहते हैं। तो ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए, अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एम रखते हैं इस वीडियो पे 10 लाइक का, तो प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा, कभी लाइक भी कर दिया कीजिए क्योंकि लाइक बहुत कम ही लोग आप लोग करते हैं, वीडियो देख लेते हैं बस लाइक नहीं आती है।
और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।